गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धनतेरस पर नौकायन केंद्र 11,000 दीयों से रोशन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जीडीए के द्वारा पहला दीपोत्सव नौकायन पर मंगलवार की शाम को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से शुरू होकर शाम 8:30 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकायन पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जीडीए द्वारा 51,000 दीये जलाए जाएंगे। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जो लोग यहां आएंगे अपने साथ दीये लेकर आएंगे। इस तरह कुल 1,00,000 दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में एडीजी जोन अखिल कुमार, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग शामिल होंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग गोरखपुर में प्रथम दीपोत्सव गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कल मनाया जाएगा। कल धनतेरस के शुभ अवसर पर शाम को 5:30 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और 8:30 बजे तक चलेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकायन क्षेत्र में इतने बड़े व्यापक तौर पर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही 51,000 दीये जलाए जाएंगे। साथ ही में लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और लोग भी अपने साथ जो आएंगे वो दीये लेके आएंगे। तो हम लोग का टारगेट है कि लगभग 1,00,000 दीये कल हम लोग यहाँ पे जला पाएँ और दीपोत्सव का यहाँ पे कार्यक्रम कराएँ। इसके लिए हमारे पुलिस के जो मुखिया हैं एडीजी सर, उन्होंने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो भी आएंगे, साथ में मेयर साहब भी आएंगे, सदर विधायक आएंगे और ग्रामीण विधायक आएंगे। उम्मीद है कि ये सभी को पसंद आएगा और मैं आपके माध्यम से ये गोरखपुर के जितने शहरवासी हैं सभी को आमंत्रित भी करना चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद।